हाय गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज हितेश। मेरी यूट्यूब चैनल नेटफ्लिक्स एचडी में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आने वाली नई मूवी, नाम है शक्तिमान। ओ शक्तिमान, शक्तिमान तो आपने पहले देखा होगा। गाइस, ये आपको सीरियल के रूप में दिखा था, लेकिन गाइस अभी ये मूवी बनकर हमारे सामने आने वाली है। 3 घंटे की मूवी रहने वाली है। गाइस, इसके बारे में आज जानकारी लेंगे, कौन सा हीरो इसमें काम करने वाला है, क्या कब रिलीज होने वाली है। गाइस, पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल बनाए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ऐसे ही मूवी से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। गाइस, वीडियो की शुरुआत करेंगे, शक्तिमान का नाम सुनते ही आप खड़े हो जाएंगे, क्योंकि गाइस जब हम छोटे थे आज से 15-20 साल पहले, जैसे ही टीवी पर सीरियल शुरू होती थी नाम है शक्तिमान, सभी बच्चे उसके सामने बैठ जाते हैं। गाइस, मायाधर गंगाधर ओमकारनाथ शास्त्री और गाइस शक्तिमान एक ही रूप में हमको दिखते थे, डबल रोल। गाइस, नाम बहुत ही बढ़िया, जिस प्रकार इंडियन सुपर हीरो यहाँ पे हमको फिर से बड़े पर्दे पर दिखने वाला है, जिस प्रकार सीरियल ने भी धूम मचाई थी, क्या मूवी भी क्या धूम मचा पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब रिलीज डेट की अगर बात करते हैं, मूवी रिलीज होने वाली है 5 जून 2023 को, हिंदी भाषा में खाली ये मूवी रिलीज होगी। गाइस, इसकी शैली की बात करते, यह एक्शन ड्रामा है, क्योंकि गाइस आपने ऑलरेडी शक्तिमान के पूरे एपिसोड देखे होंगे जब तुम छोटे बच्चे थे। गाइस, इसकी मेन कास्ट की अगर बात करें तो मुकेश खन्ना फिर से इसमें हमको दिखने वाले हैं, और प्रशांत सिंह भी यहाँ पे हमको दिखने वाले हैं। संगीतकार की अगर बात करें तो आशीष रैगो, और गाइस निर्माता है मुकेश खन्ना। गाइस, उत्पादन की अगर बात करें तो विश्व इंटरनेशनल इसके उत्पादन है, साथ में सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया इसको उत्पाद कर रही है। गाइस, शक्तिमान मूवी के बारे में हम बात करें तो 2023 को यह, यानी कि 5 जून 2023 को हमको बड़े पर्दे पर दिखने वाली है। गाइस, यह मूवी भारत के पहले सुपर हीरो की ये कहानी है, जो कि हमने बहुत सारे इसके एपिसोड्स देखे, यानी कि सीरियल के रूप में हम जब छोटे थे तब हमने देखे थे, और गाइस ये शक्तिमान के इर्द गिर्द घूमती रहती हमको दिखने वाली है। जिस प्रकार भगवान की शक्ति में आध्यात्म के साथ अपनी शक्तियां प्राप्त की जाती है, इसी प्रकार मायाधर गंगाधर ओमकारनाथ शास्त्री यानी कि शक्तिमान ने ये शक्तियाँ अपनी कुंडली शक्तियों को जागृत किया है, उस कुंडली शक्तियों के द्वारा वो लोगों की सहायता करते हैं जो लोग असहाय है, जिनको पीड़ित है, शोषित है, जिनको बहुत ही दबाया जा रहा है, जिनको परेशान किया जा रहा है, उनकी मदद के लिए सुपर हीरो, इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान उभर के आते हैं और सबको यहाँ पे बचाते हैं। तो गाइस, ये मूवी आपको देखने को पसंद आएगी, क्योंकि गाइस इसके जिस प्रकार इसने सीरियल ने धूम मचाई थी, मूवी भी शायद धूम मचा सकती है। तो गाइस, वीडियो में आज तक बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप बटन जरूर दबा दें। नए मूवी और नई मूवी की इन्फॉर्मेशन लेकर हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक ले शुक्रिया, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।